हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल नीतू इटली में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अब मैं मॉर्निंग वॉक से वापस आ गई हूँ, तो मैं आज अब सुबह का नाश्ता कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला। बहुत ही हेल्थ के लिए ये अच्छा है। इसके लिए जो है मैंने दो जो बड़े चम्मच हैं, यहाँ पे एक कौली भी ले सकते हैं बेसन की ली है। इसमें हल्का सा आप सूजी को भी मिक्स कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि क्रिस्पी होगा। लेकिन मैं इस अकेले बेसन से ही इसको बना रही हूँ। ये बेसन लिया, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च, इससे क्या है कि इसकी रंगत जो निखर कर आती है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अगर चाहे तो आप इसमें प्याज टमाटर अपने स्वाद अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं, ये और भी टेस्टी बनेगा। लेकिन सुबह सुबह प्याज प्रेफर नहीं करते, तो अब इसमें हल्का हल्का सा पानी मिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है बेसन के लम्ब्स ना पड़े, तो उससे क्या होगा, ये बेसन का चीला जो है अच्छा नहीं बनेगा। मैं चाय पीन रही थी बेसन का चीला साथ में, तो मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो को शेयर करूं। ये देखिए गाइस, अभी को अच्छी तरह से घोल लिया है। इसका जो बैटर है वो ऐसा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा थिक। पतला हो तो चलेगा, लेकिन थिक के साथ जो चीला है वो बहुत सी मोटा मोटा बनेगा। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी क्रश की हुई कसूरी मेथी, इससे जो है इसका स्वाद बहुत अच्छे से बनता है। और इसमें थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया। अगर आपको ये बहुत थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाकर इसको पतला कर सकते हैं। अब मैं आपको पैन में डालकर बताऊंगी। ये देखिए, अब मेरा पैन जो है गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ओलिव ऑयल। उधर मेरी चाय भी बन रही है, ये देखिए। अब चाहे तो आप इसको कड़छी से या इसको ऐसे ही पूरे पैन में पतला पतला सा फैला दीजिए। ये देखिए गाइस, इतना अच्छा बनकर आया है। अब इसको हल्का सा सिकने दीजिए। जब ये नीचे से सिक जाएगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा, ऊपर से ये तैयार हो जाएगा, तब हम इसको पलटेंगे। ये नीचे से सिका नहीं है अच्छे से, आप देख रहे हैं इसके ऊपर कैसे बबल्स जो है बन रहे हैं, और ये ऊपर से भी पक रहा है। ये देखिए गाइस, अब ये नीचे से अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए फ्राई पिन से ये, अब हम इसको जो उठाएंगे और दूसरी तरफ इसको पलटेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक तरफ से ऐसे लाल हो गया, अब ये दूसरी तरह से ऐसे ही सिकेगा।
ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है बेसन का। खास करके जिनको डायबिटीज़ है उनको ये ज़रूर खाना चाहिए। जो बेसन है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और सुबह के नाश्ते में आप इसको शाम को चाय के साथ कभी भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी है। ये देखिएगा इस दूसरी तरफ से भी अच्छे से बन गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे, गैस को करेंगे सीम। कितना सुंदर लग रहा है। अब ऐसे ही मैं दो और बना लूंगी और हमारी चाय जो है बनकर तैयार हो रही है। ये होगा हमारा सुबह का नाश्ता। ओके गाइस, तो मेरा सुबह का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। चीले और चाय बनकर तैयार हो चुकी है, गर्मा गर्म चाय और बेसन का चीला। इन्जॉय कीजिए, आप इसे घर पे बनाइए और इसे बताइए मुझे कैसा लगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आपको और वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। तो मेरी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो अपलोड होगी पिज़्ज़ा, इटालियन पिज़्ज़ा कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप मेरा चैनल देखना मत भूलिए, आप मेरी वीडियो को लाजमी देखें और पूरा एंड तक देखिएगा। ओके गाइज, सी यू, टाटा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंजॉय करती हूँ मैं चाय का अपने हस्बैंड के साथ। ओके बाय।